नाम लेने तैयार नहीं किया। मजलिस ने जब से सीमांचल बोलना शुरू किया तो तेजस्वी और उसके बाप को बोलना पड़ा सीमांचल। सीमांचल का नाम कोई लेने तैयार नहीं था, मजलिस ने सीमांचल का नाम बोलना शुरू किया तो नीतीश कुमार जैसे गिरगुट को भी सीमांचल बोलना पड़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मौजूद हाजरीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत और डगरवा के मेरे गयूर नौजवान साथियों, मोहतरम जनाब अख्तर उल ईमान साहब, रुकन असेंबली वो सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, जनाब आदिल साहब यूथ सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मौलाना तनवीर साहब, एहसान साहब, सरफराज साहब, रईस साहब, मुखिया कल्लू साहब, अनवारुल हक साहब, मुजाहिद साहब, कैसर साहब, जनाब प्रोफेसर दयाल साहब, नदीम साहब, गालिब साहब, जनाब आदिल फैक्स चेयरमैन साहब, शोएब साहब, अजीजाने मिल्लत, अभी आपने मोहतरम अख्तर उल ईमान साहब की बसीरत अफरोज मुख्तसर से खिताब को सुना। मैं आपसे ये बताने आया हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करने आया हूं कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए पिछले विधानसभा के इलेक्शन में आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब किया। मगर मैं आपको ये बताने भी आया हूं कि जिनको अल्लाह सुभाना व तआला ने आपके जरिए से कामयाब किया, जिनको कहीं पर किसी पार्टी टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी, मजलिस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, आपने उन पर भरोसा किया, हमने उनके लिए दिन रात मेहनतें की और वो कामयाबी के बाद उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये बात बताना इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि मैं आपके दरमियान में यहां पर आया हूं। हमने बहुत कोशिश की उनको समझाने के लिए, बहुत समझाया उनको और उनसे कहा कि देखो, सीमांचल की जनता से गद्दारी मत करो, तुम मजलिस को नहीं छोड़ रहे हो बल्कि तुम सीमांचल की जनता को उनके ख्वाबों को चकनाचूर करने जा रहे हो। मगर उन्होंने मजलिस को छोड़ा, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी या अख्तर उल ईमान को नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया। इन चारों बेईमानों ने सीमांचल की गयूर अवाम की पीठ में खंजर खोपा है और मैं आपको बताने आया हूं कि ये लोग कभी भी किसी के नहीं हो सकते। मेरे पास बहुत सी बातें हैं बोलने के लिए, मगर सिर्फ इतना कहने आया हूं कि आज उन्होंने सीमांचल के लिए क्या हासिल किया। तुमने सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोपा, बताओ तुम्हारे झुक जाने से, तुम्हारे ईमान के बेचने से तुमने जो कमजरफी के मजाहरे किए,
तुमने तेजस्वी और नीतीश कुमार के आगे अपने सर को झुका दिया, तो बताओ तुमने सीमांचल की जनता के लिए क्या हासिल किया? तुमने यहां पर कुछ काम करवाया? हां, यकीनन तुम्हारी जेब भर चुकी होगी, तुम्हें माली फायदा हुआ होगा, मगर बताओ उन सीमांचल के नौजवानों का क्या फायदा हुआ जो अपने घर बार को छोड़कर भारत के कोने कोने में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं? बताओ सीमांचल के उस किसान का क्या फायदा हुआ जिसकी हर साल जमीन पानी के बहाव से कट जाती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख हमको ये बताती है कि नुकसान हमको हमेशा अपनों से हुआ है। करबला का मैदान है और करबला के मैदान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन है। वो वक्त के फिरौन यजीद से मुकाबला करने के लिए आते हैं, अपनी जात के लिए नहीं, हक की कामयाबी के लिए। तो इमाम हुसैन के साथ नमाज पढ़ने वाले भी मुसलमान, इमाम हुसैन और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर पानी बंद करने वाले मुसलमान, इमाम हुसैन के साहबजादों पर तीर बरसाने वाले मुसलमान और इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले भी मुसलमान। तो तारीख हमेशा यह बताती है कि जब कभी भी हम आगे बढ़ते हैं और हक की कामयाबी के लिए आगे बढ़ते हैं तो नुकसान अपनों से पहुंचता है, मगर करबला की सरजमीन से आवाज आ रही है। दरियाए दजल्ला का वो किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो हम तमाम को पैगाम दे रहा है कि वक्त के यजीदों से मुकाबला करो और हमेशा हक की कामयाबी होगी। जिन्होंने इमाम हुसैन के कटे हुए सर को नेजे पे रख कर लेकर गए थे, आज दुनिया और सुबह कयामत तक इमाम हुसैन को याद करती है। कोई बाप अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता, हर बाप सुबह कयामत तक अपनी औलाद का नाम हुसैन रखेगा, अब्बास अलमबरदार के नाम से रखेगा, अकबर का नाम, इमाम हुसैन की औलाद का नाम रखेगा। मगर जो लोग गद्दारी करते हैं, याद रखो तुम्हारा नाम हमेशा लिया जाएगा गद्दार के तौर पर कि तुमने सीमांचल की जनता से धोखा किया है। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि असदुद्दीन ओवैसी को तुमने छोड़ दिया, तुम अगर ये समझ रहे हो कि हमने तेजस्वी और नीतीश के पैर पढ़कर हमने मंजलिस को सीमांचल में कमजोर किया, तुम लिख कर रख लो, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी इस गद्दारी को भूलने वाला नहीं हूं। तुम जहां कहीं भी खड़े होगे सियासी तौर पर हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हम तुमको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सीमांचल की जनता के जरिए, अल्लाह सीमांचल की जनता के जरिए तुमको शिकस्त देगा और इंशाअल्लाह तुम बदनामी और गुमनामी के वादियों में गुम हो जाओगे। तुमको आज जो इज्जत मिली वो सीमांचल की जनता की वजह से पहचान मिली। आज तुम एमएलए होगे, गरीब खामोश बैठा है, मगर विधानसभा का चुनाव आने दो, यही जनता तुम्हारी जमानत जब्त करवा कर तुमको हमेशा घर में बिठाएगी इंशाअल्लाह। और जो लोग तस्लीमुद्दीन साहब का नाम लेकर वोट हासिल किए, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं, अरे तुम्हारा घर तुमको छोड़ दिया था, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने तैयार नहीं था, मजलिस ने तुम्हारा हाथ थामा। मगर मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आज तस्लीमुद्दीन साहब का कोई सियासी वारिस है, अल्लाह तस्लीमुद्दीन साहब की खबर को नूर से भर दे, अल्लाह तस्लीमुद्दीन साहब के दर्जात को बुलंद फरमा, अल्लाह उनकी मगफरत फरमा दे। अगर आज सीमांचल में तस्लीमुद्दीन साहब का कोई सियासी वारिस है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है, इसलिए कि अख्तरुल ईमान ने अपने ईमान का सौदा नहीं किया, अख्तरुल ईमान ने
अपने गिरेबान के तार नहीं बेचे। अख्तरुल ईमान ने सीमांचल की जनता के ख्वाबों का सौदा नहीं किया। अख्तरुल ईमान अटल है और ठहरा हुआ है। अख्तरुल ईमान ने फैसला लिया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहूंगा। और सीमांचल की लड़ाई सिर्फ अख्तरुल ईमान की लड़ाई नहीं, बल्कि अख्तरुल ईमान ने इसको मान लिया कि सरजमीन पर बसने वाले नौजवानों की, गरीबों की, ज़ईफ लोगों की लड़ाई है। इसीलिए तस्लीमुद्दीन साहब का सियासी वारिस अख्तरुल ईमान है। तस्लीमुद्दीन साहब की औलाद जरूर है, मगर उनको एजाज ये नहीं मिल सकता कि तुम तस्लीमुद्दीन साहब के सियासी वारिस हो। तुम तस्लीम साहब की औलाद हो, वो हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मगर तस्लीमुद्दीन का कोई सियासी वारिस है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। अरे मजलिस पर उंगलियां उठाने वालों, बताओ आज से 8-9 साल पहले कोई सीमांचल का नाम लेने तैयार नहीं किया। मजलिस ने जब से सीमांचल बोलना शुरू किया तो तेजस्वी और उसके बाप को बोलना पड़ा सीमांचल। सीमांचल का नाम कोई लेने तैयार नहीं था, मजलिस ने सीमांचल का नाम बोलना शुरू किया तो नीतीश कुमार जैसे गिरगुट को भी सीमांचल बोलना पड़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि आपके सामने अनकरीब में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा के आपने इलेक्शन में यहां पर बहुत से लोगों ने मजलिस को वोट दिया भी होगा और बहुत से हमारे अजीज भाइयों और बहनों ने, बुजुर्गों ने मजलिस को वोट नहीं दिया होगा। आपने यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पर एमपी बनाया। मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में बहसियत एमपी मैंने सीमांचल के लिए एक दस्तूरी मौकफ हासिल होने के लिए मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया। मैंने हमेशा अपनी हर तकरीर उठाकर, देख लो आप, जब से अल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल की आवाम की खिदमत करने का मौका दिया, मैं अपनी पार्लियामेंट की हर तकरीर में, हर सेशन में मेरी जबान से अल्लाह सीमांचल का लफ्ज निकालता है। CAA का कानून आया तो मैंने कहा यह कानून का इतलाक सबसे ज्यादा जुल्म होगा सीमांचल की जनता पर, क्योंकि मोदी और बीजेपी ये कहती है कि सीमांचल में जो मुसलमान है वो घुसपैठी है, वो बांग्लादेशी है। मैंने सीमांचल को सामने रखकर, भारत के गरीब और मजलूम मुसलमान और दलितों को सामने रखकर, मोदी के 300 MPs के सामने पूरी पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ दिया और कहा कि मैं इस कानून को नहीं मानता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं जरूरी बात, असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के आईनी मौकफ के लिए पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया। आपको मालूम कांग्रेस के एमपी ने क्या कौन सा बिल दिया? आप जानते हैं कि कांग्रेस के मौजूदा संसद एमपी ने कौन सा बिल दिया पार्लियामेंट में? सीमांचल के इंसाफ का बिल नहीं दिया। सीमांचल में जो जमीन कटती है हजारों एकड़, वो नहीं दिया। मकाई की कीमत के बारे में नहीं दिया। चाय की पैदावार के बारे में बात नहीं किया। अनन्नास के पैदावार की बारे में बात नहीं किया। कभी एक बार दो बात कर ली होगी तालीम के बारे में। उन्होंने कौन सा कानून बनाने के लिए सिफारिश की? आपको मालूम अख्तरुल ईमान, आपको मालूम कौन सा बिल दिया? उन्होंने ये सरकार से इस बात का मुतालबा किया कि जो जानवरों को मारता है उस पर और सजा बढ़ा दी जाए। ये कानून आपके मौजूदा एमपी साहब ने पार्लियामेंट में दिया, वेबसाइट पर जाकर देखो। मैं पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, जो जानवरों को मारता है उस पर सजा बढ़ा दी जाए, तो बताओ जो सीमांचल की जनता से 6 साल 8 साल नहीं 50 साल से धोखा दे रहा उस पर क्या कानून लागू होना, बताओ मुझे। जानवर को कोई मारता है तो सजा बढ़नी चाहिए, तो क्या सीमांचल पर बसने वाले इंसान नहीं है? सीमांचल पर बसने वाले लोग, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जो बच्चे अपने घर बार को छोड़कर
रोजी की तलाश में भारत के कोने कोने में चले जाते हैं। बताइए डॉक्टर साहब, क्या सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। अरे जिसकी हजारों एकड़ जमीन कट जाती है, उस जो जिम्मेदार है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो मालूम हुआ डॉक्टर साहब को जानवरों से मोहब्बत है और अख्तर अली मान को सीमांचल की जमीन पर बसने वाले हर इंसान से मोहब्बत है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फर्क है अख्तर अली मान में और मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपने वोट का गलत इस्तेमाल मत होने दीजिए। अब पार्लियामेंट में आप कहेंगे कि नहीं, हमने उनको उस बड़ी पार्टी को वोट दिया। मेरे भाई, उस बड़ी पार्टी ने क्या काम किया बताइए? ट्रिपल तलाक का कानून आया तो मरहूम मौलाना की अल्लाह मगफरत करे उनको बोलने नहीं दिया। CAA का कानून आया, नहीं बोलने दिए, कुछ बोल नहीं सके। अभी आखिरी पार्लियामेंट का सेशन हुआ, नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में अक्सरियती तबके को मुत्तहिद करने के लिए एक बहस करवा दी कि 22 जनवरी को तारीखी दिन था। बताओ कांग्रेस के जो लोगों ने तकरीर की उनकी तकरीर पढ़ लीजिए आप, और असदुद्दीन ओवैसी ने जो आपकी तरफ से कहा, जो अल्लाह ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने खड़े होकर ये कहा कि 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर को रखी गई थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। 22 जनवरी की बुनियाद जब ताले खोले गए थे रखी गई थी। 22 जनवरी की बुनियाद उस वक्त रखी गई थी जब जीबी पंत ने मस्जिद में मूर्तियों को नहीं निकलवाया। आज आप जब वोट डालने जाएंगे, पूछो डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब तुमने अपनी जबान से लफ्ज बाबरी मस्जिद कब बोला था, वो बताओ। नहीं बोल सकेंगे, डरते हैं बोलने के लिए, क्योंकि एक तो उनकी पार्टी में उनका नंबर कम हो जाएगा और दूसरा उनको ये लगता है कि दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। मैं ये सब कुछ पार्लियामेंट में आपके दरमियान में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारा वोट चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक दिन मरूंगा और मुझे खबर में जाना है और दोबारा मुझे और तुमको उठाया जाएगा और रब्बे करीम सबसे ज्यादा पूछेगा तो हम लोगों से कि बताओ तुमको हमने मुकाम दिया था तो तुमने क्या किया, क्या कहा। मैं उस दिन के लिए ये कह रहा हूं, मैं सच्चाई को सामने रखकर कह रहा हूं और सच्चाई यही है कि कोई बाबरी मस्जिद का नाम लेने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर कहा बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो बताओ क्या गुनाह किया मैंने, बताओ। यही तो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी दुआएं हैं कि हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट में। मगर डॉक्टर साहब किसका इलाज करेंगे जो खुद मरीज बने हुए हैं, वो किसका इलाज करेंगे? तो इलाज आपको करना है। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो आपको एक बोलने वाला तो अख्तर अली मान जरूर है, मगर अख्तर अली मान के सीने में धड़कता हुआ दिल है। अख्तर अली मान मर मिटने वाला है आप पर, और अख्तर अली मान ने कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं किया। और अगर आप हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से और दीगर पार्लियामानी हलकों से जहां मजलिस अपने उम्मीदवार खड़ा करने का सोच रही है, अगर हमारे एमपी कामयाब होकर भारत की पार्लियामेंट में जाएंगे, आप देख रहे हैं कि मैं और इम्तियाज जलील साहब ने सबसे ज्यादा सवालात किए, सबसे ज्यादा सवालात। अगर अख्तर अली मान को आप कामयाब करके यहाँ का अपना एमपी बनाकर भेजाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि लोग कहेंगे कि हाँ अख्तर अली मान ने तारीख दोहरा दी और तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम की याद ताजा कर दी। बल्कि मैं आपसे एक और बात कह रहा हूँ, अख्तर अली मान को अगर अल्लाह इंशाअल्लाह यहाँ का एमपी बनाएगा आपके दुआओं से और आपके साथ से, तो बिहार की तारीख में इंशाअल्लाह ताला
ऐसा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं गुजरा होगा जो अख्तर अली मान वहां पर आपकी आवाज को उठाएगा, गरीबों और मजलूमों की आवाज को उठाएगा। मेरे भाई, जमहूरियत में पूछने की जरूरत पड़ती है। कोई अगर पार्लियामेंट जाता है तो सिर्फ पार्लियामेंट की बड़ी बिल्डिंग को देखकर खुश होने के लिए नहीं जाता। अगर मैं एमपी बनकर हैदराबाद की आवाम ने मुझे 4 मरतबा भिजाया तो इसलिए नहीं भिजाया कि असदुद्दीन ओवैसी बड़ी इमारत को देखकर बैठ जाए। आवाम ने हमको इसलिए भिजाया कि जब कभी भी कोई नाइंसाफी होगी तुम उठो और हमारी आवाज को बयान करो, जब कोई कानून बनेगा शरीयत के खिलाफ तुम खड़े होकर उसकी धज्जियां उड़ा दो आईन को सामने रखकर। यही सोचकर तो आवाम वोट डालती है कि मेरी आवाज बनकर जाएगा, ये मेरे जज्बात की तर्जुमानी करेगा, मेरे सीने में जो जज्बात का तूफान उमड़ रहा है वो अपनी जबान से उस मेरे उस तूफान को बयान करेगा, वो मेरी तर्जुमानी करेगा, वो गरीबों के हक के लिए लड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अख्तर अली मान साहब को कामयाब करें। याद रखिए, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन, सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन, यही मीर जाफर मीर सादिक। ये नंगे दीन है, ये नंगे वतन है। अरे तुम मेरी मुखालिफत करते हो कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटता है। मैं आज तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि क्या लालू यादव ने आज नहीं कहा कि हमारे दरवाजे नीतीश के लिए खुले हैं। लालू जी, आपका घर तो उड़ गया, अब कौन सा दरवाजा खोलेंगे नीतीश के लिए आप? मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, अगर आज मैं डगरवा में खड़े होकर कह दूं कि लालू ने मोदी से सिटिंग की, लालू ने मोदी से बातचीत करके नीतीश को और आरएसएस को बिहार के हवाले कर दिया, बताओ क्या जवाब दोगे उसका? तुम समझते हो कि जबान सिर्फ तुम्हारे मुंह में है? अरे जबान तुम्हारे पास होगी जो बिकी हुई है, मगर मैं आज कह रहा हूं कि क्या तेजस्वी और लालू जिम्मेदार नहीं है बिहार में बीजेपी को लाने के लिए? बताओ आप, अगर हम चुनाव लड़े तो वैसी वोट काट रहा है। आप नीतीश, एक बार नीतीश ने आपको धोखा दिया, आपने फिर उसको साथ दिया, दूसरी मर्तबा आपने बीजेपी को सत्ता दे दी, इख्तदार दे दिया, और मैं चुनाव लड़ता हूं, सीमांचल की इंसाफ की बात करता हूं, मैं मुजरिम हो जाता हूं। ये सत्ता में बैठकर मलई खा लेते हैं, पैसे कमाते हैं, म्यूटेशन के नाम पर 20,000 रुपये रिश्वत ली जाती है, मगर कोई उंगली नहीं उठाता। बीजेपी अगर आज सत्ता में है बिहार में तो तेजस्वी और लालू यादव की वजह से है, ओवैसी की वजह नहीं है। बताओ फिर क्यों नहीं कहा जाता है?